क्या आपके स्कैल्प पर बाल्ड पैचेस है? क्या आप एलोपेशिया एरियाटा से सफर कर रहे हैं? क्या आप उसे ट्रीट करना चाहते हैं? हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धनराज चवन, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। बहुत सारे लोग सडन हेयर लॉस से सफर करते हैं। कई बार इस सडन हेयर लॉस में बाल्ड पैचेस दिखाई देते हैं। कभी कभी कुछ पैचेस में हेयर लॉस होता है तो कभी कभी सारे बाल एकदम झड़ जाते हैं। यूजुअली ऐसे सडन और पैची हेयर लॉस को एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो एलोपेशिया एरियाटा डिटेल में मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिसमें हेयर लॉस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। यह कंडीशन किसी भी एज या जेंडर में दिखाई दे सकता है, बट मैक्सिमम केसेस यंग एज में दिखाई देते हैं, 30 साल से पहले। लेकिन ये हेयर लॉस कैसे होता है, जिसकी मैंने पहले बताया, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। मतलब क्या कि इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो आपके हेयर के जो फॉलिकल्स होते हैं उसको फॉरेन एलिमेंट समझती है और आपके बॉडी के खुद के पार्ट मतलब हेयर फॉलिकल्स को अटैक करती है। इससे हेयर फॉलिकल्स श्रिंक होते हैं और फॉल हो जाते हैं, लूज करते हैं हम। ये इम्यून सिस्टम आपके हेयर फॉलिकल्स को अटैक कर क्यों करती है, इसका रीजन अभी तक नहीं पता। लेकिन मोस्टली ये आपके इम्यून सिस्टम के सराउंडिंग जो अलग अलग चीजें हैं उस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा से सफर करते हैं तो आपको बाकी ऑटो इम्यून डिजीजेस होने का भी चांस ज्यादा होता है, जैसे कि थायराइडाइटिस, विटिलिगो या अलग अलग ऑटो इम्यून डिसीजेस बाकी सिस्टम्स के जो होते हैं वो आपको होने का चांस ज्यादा होता है। कुछ स्टडी में ये भी पाया गया कि एलोपेशिया एरियाटा एक्सट्रीम स्ट्रेस की वजह से भी ट्रिगर होता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस की वजह से एलोपेशिया एरियाटा एक ही रीजन नहीं है, उसके कॉजेस अलग अलग रीजन है और पर्सन टू पर्सन उसके फैक्टर्स वेरी करते हैं। इसीलिए एलोपेशिया एरियाटा को अच्छे से ट्रीट करने के लिए और बेस्ट ट्रीटमेंट्स पाने के लिए इसका सही कॉज जानना जरूरी है। इसका सिम्टम्स फाइंड आउट करना या डायग्नोस करना और फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, तो इसका मोस्ट प्रोमिनेंट सिम्टम है हेयर लॉस, जो पैची होता है। ये स्कैल्प पर ऐसे राउंड कॉइन साइज पैचेस होते हैं जिससे हेयर लॉस होने लगता है और एकदम झड़ जाते हैं बाल। ये छोड़ के शुरू में ये पैचेस जब आते हैं हमें तो नोटिसेबल नहीं होते, ये छोटे छोटे पैचेस एक साथ मर्ज होने लगते हैं तब ये पैच ज़्यादा नोटिसेबल हो जाते हैं। इसमें आपके बियर्ड में या आईलैशेस की ग्रोथ भी कभी कभी अफेक्ट हो जाती है। यह हेयर लॉस सडन हो सकता है या कुछ दिनों में भी डेवलप हो सकता है या कभी कभी कुछ हफ्ते लगते हैं उसको दिखाई देने में। इसके अलावा कभी कभी सिम्टम्स जैसे कि इचिंग या स्क्रैचिंग कुछ लोगों में दिखाई दे सकता है। फिंगर नेल्स में आपके या टो नेल्स में कई बार इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। छोटे छोटे ऐसे डेंट्स होते हैं फिंगर नेल्स में, रफ हो जाते हैं फिंगर नेल्स और कभी कभी स्प्लिटिंग भी हो सकता है। ये भी एलोपेशिया एरियाटा से रिलेटेड होता है। इसीलिए एलोपेशिया एरियाटा को हम इस सिम्टम्स से क्विकली डायग्नोज अगर करें तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। ये अब जब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ये सिम्टम्स लेंगे तो वो एग्जामिन करेंगे आपको और जब डायग्नोज करेंगे तो एक ट्राइकोस्कोपी करके एग्जामिनेशन होता है, वो डॉक्टर्स करेंगे और फिर कंफर्म डायग्नोसिस जब हो जाएगा, बायोप्सी भी कभी कभी ले सकते हैं या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए। अगर डिफिकल्ट कंफर्मेशन है तो बायोप्सी हेल्प करता है। ये एलोपेशिया एरियाटा के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे कॉमन टाइप जो होता है वो लोकलाइज्ड एलोपेशिया एरियाटा होता है, जो स्मॉल पैचेस होते हैं। इसमें हेयर लॉस के स्कैल्प पे छोटे छोटे लोकलाइज पैचेस हो सकते हैं जो स्मॉल होते हैं। एलोपेशिया एरियाटा टोटालिस जो होता है उसमें स्कैल्प पूरे स्कैल्प के बाल झड़ जाते हैं, एकदम गुलगुलित हो जाता है वो, इसीलिए इसे टोटालिस बोलते हैं। तीसरा टाइप है जिसमें पूरे शरीर में यानी स्कैल्प प्लस आईब्रो, आईलैशेस, बियर्ड, एक्जिला सब जगह के बाल जाते हैं, उसको एलोपेशिया एरियाटा यूनिवर्सलिस कहा जाता है। फिर कुछ केसेस होते हैं जिसमें सिर्फ डिफ्यूज कहीं कहीं के जो बाल होते हैं वो झड़ जाते हैं, इसे डिफ्यूज एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है। यह हेयर लॉस मेल या फीमेल पैटर्न बालनेस जो होता है उसकी तरह कभी कभी कंफ्यूज किया जा सकता है। फिर
सडन और अनएक्सपेक्टेड होता है ये, लेकिन इसलिए डॉक्टर्स बहुत बार इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उफियाटिक एलोपेशिया एरियाटा होता है, इसमें क्या होता है कि पिछले हिस्से से हमारे बाल जाने लगते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के एलोपेशिया एरियाटा थे। देखिए एलोपेशिया एरियाटा को बहुत लोगों में रिकरेंट मतलब बार बार होने का चांस होता है, कई महीनों के बाद या कई सालों के बाद वापस वो आ सकता है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट की मदद से ये जो बाल झड़ते हैं हमारे उनको रीग्रो किया जा सकता है। तो हम ये कैसे करते हैं, डॉक्टर्स या डर्माटोलॉजिस्ट आपको ये एलोपेशिया एरियाटा कैसे ट्रीट करते हैं, इसके क्या ट्रीटमेंट है, ये बात करेंगे। सबसे कॉमन ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बहुत ही पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होता है जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जो इम्यून सिस्टम आपके हेयर को फॉल करने के लिए कॉज कर रही है उसको वो सप्रेस करता है। इंजेक्शन टॉपिकल ऑइंटमेंट या ओरल फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन मतलब वो पैच में वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 3 से 6 हफ्तों में या उससे थोड़े कम में एक एक ट्रीटमेंट रिपीट किया जाता है, इससे ये बालों का ग्रोथ वापस आता है। टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कई बार इफेक्टिव होता है इसमें। ओरल फॉर्म यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का एलोपेशिया एरियाटा में लोग अवॉइड करते हैं। साइड इफेक्ट्स होने का चांस ओरल फॉर्म से ज़्यादा होता है क्योंकि ये लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ता है, इसीलिए यूजुअली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का इंजेक्टेबल या टॉपिकल फॉर्म यूज करते हैं। दूसरा मेडिसिन है मिनोक्सिडिल, वो भी कई डॉक्टर्स एलोपेशिया एरियाटा में यूज करते हैं। मिनोक्सिडिल क्या करता है कि जो आपके ग्रोथ झड़ गए बाल है रेस्ट फेज में गए टीलोजन में उसको एनाजन में कन्वर्ट करता है। दोनों चिल्ड्रन में और एडल्ट में इसको यूज किया जा सकता है। ये सोल्यूशन यूजली डॉक्टर्स आपको सुबह शाम को अप्लाई करने का एडवाइस करते हैं। फिर और इसके बाद एलोपेशिया एरियाटा को और ट्रीट करने का और एक ट्रीटमेंट होता है एंथ्रालिन। एंथ्रालिन मेडिसिन क्या करता है कि ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर की कैटेगरी में आता है। आपके इम्यून जो रिस्पॉन्स होता है एलोपेशिया एरियाटा में उसको अल्टर करता है, इसलिए वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर बोलते हैं। इस ट्रीटमेंट में हम तार जैसा ये सब्सटेंस होता है, थिक पेस्ट होता है, जो हम शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करते हैं। सो इसको हम शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी भी बोलते हैं। 20 to 60 minutes नहाने से पहले अप्लाई करना होता है जिससे वो स्किन इरिटेट हो जाता है और फिर हम उसको निकाल देते हैं। डीपीसीपी मतलब डायफिनाइल साइक्लोप्रोपिन नोन करके एक केमिकल होता है, ये भी सिमिलर कैटेगरी का होता है और ये भी हेल्प करता है हेयर का रीग्रोथ होने में। तो ये सब जो मेडिसिन है अभी जो मैंने बताया, ये स्कैल्प में थोड़ा स्पेशली एंथ्रालिन और डीपीसीपी थोड़ा रेडनेस और ये स्कैल्प में क्रिएट कर सकता है, जिसकी वजह से फिर ये इरिटेशन की वजह से नए सेल जाते हैं, वाइट जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है और हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। डीपीसीपी के साथ आपके बाल जल्दी ग्रो होने लगते हैं। पांचवा ट्रीटमेंट है इम्यूनोसप्रेसेंट कैटेगरी के ड्रग, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है लेकिन ये स्पेसिफिक इम्यूनोसप्रेसेंट जैसे कि मेथोट्रेक्सेट साइक्लोस्पोरिन ये डॉक्टर आपको दे सकते हैं। ये आपके इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स को ब्लॉक करते हैं और इनका इस्तेमाल लंबे समय तक इसलिए हम नहीं कर सकते। फिर और ट्रीटमेंट आता है लाइट थेरेपी टारगेटेड फोटोथेरेपी जिसे हम बोलते हैं। ये ट्रीट करने के लिए हम पहले एक आपको फोटो सेंसिटाइजिंग ड्रग जो होता है सोरालेंस की तरह उनको देते हैं, उसके बाद आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देते हैं। तो ये मेडिसिन प्लस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का कॉम्बिनेशन जो है ये एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। कई बार सिर्फ ट्रीटमेंट एक ही बार करने से सफिशिएंट नहीं होता, मल्टीपल ट्रीटमेंट या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स भी करने पड़ते हैं और इसको 2 से 4 महीने का ट्रीटमेंट कंटिन्यूस दिया तो हेयर रीग्रो होने में मदद करता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इन ट्रीटमेंट्स के साथ आपको बालों को रीग्रोथ करना है वो टेम्पररी कभी कभी हो सकता है और ये एलोपेशिया एरियाटा का जो है वो रिकरेंट किन कई लोगों में होता है। तो ये ट्रीट करना हम अभी कर सकते हैं बट वापस आने का थोड़ा चांस कुछ पेशेंट में होता है। हेयर ये रीग्रोथ के लिए कुछ लोग बहुत सारे हेयर होम रेमेडीज भी करते हैं। कुछ होम रेमेडीज सेफ होते हैं, इफेक्टिव थोड़े लोगों में होते हैं। कुछ होम रेमेडीज जो होते हैं उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, गार्लिक जूस ऑनियन जूस इनका बहुत सीवियर साइड इफेक्ट्स बहुत लोगों में होता है, तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए।
इन सारे ट्रीटमेंट्स जो है हनी लोग यूज करते हैं, तो ये साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट्स नहीं है अब तक। कुछ लोगों में ऐसे ही इनका रिजल्ट आ जाता है तो ये फेमस हो जाते हैं, बट सब में अगर देखा जाए तो ये सब में इफेक्टिव नहीं होते। इसलिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाइए, जो आपको प्रॉपर एसेस करेंगे, उसका प्रॉपर रीजन फाइंड आउट करेंगे कि क्यों आपको हुआ है, और अकॉर्डिंगली फिर आपको आपके सीवियरिटी के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दे देंगे। बहुत सीवियर आपको है और बहुत ट्रीटमेंट आपने किया है और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट जैसे विग्स, आईलैश एक्सटेंशन, आईब्रो स्टेंसिल्स, ये भी आप जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग अच्छे क्वालिटी के एडवांस्ड विग्स अभी मार्केट में मिलते हैं, जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स ट्रीटमेंट को रेजिस्टेंट है उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद और ईजी ट्रीटमेंट होते हैं। देखिए, एलोपेशिया एरियाटा ये कोई कॉन्टेजियस डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई सीवियर बीमारी भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ हेयर लॉस नहीं होता, इनके लिए ये इमोशनल एस्पेक्ट बन जाता है, और इसीलिए इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अपीयरेंस के लेके बहुत लोग परेशान और डिप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो ये सब देखते हुए एलोपेशिया एरियाटा का जो ट्रीटमेंट करना है वो हमें जल्दी से जल्दी करना है। अगर आपके कोई फ्रेंड को, रिलेटिव को एलोपेशिया एरियाटा है, वो उसे स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, तो आप निराश मत होइए, उनको भी बताइए कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आपके पास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है उनको जल्दी जाके ज़रूर बताइए। बहुत स्टडी इस पे नए आ गए हैं, बहुत सारे अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, तो आप वो ज़रूर अवेल कर सकते हैं। आपको कोई भी अगर डाउट है और एक्स्ट्रा एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, तो आप हमें ज़रूर पीछे कमेंट्स में पूछिए, हमारे वेबसाइट पे और इन्फॉर्मेशन है, हमें ज़रूर आपको हेल्प करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, आपको नेक्स्ट वीडियो तक मेरा बाय।